स्टेट मॉनिटरिंग सेल द्वारा एक बार फिर स्थानिक पुलिस को निंद्राधीन साबित करते हुए कार्य विभाग विस्तार में आए हुए वैसे भावना रोडवेज में केमिकल की आड़ में 60 पेटी शराब का जत्था जब्त किया गया। स्टेट मॉनिटरिंग सेल द्वारा एक बार फिर स्थानिक पुलिस को निंद्राधीन साबित करते हुए कई तरह की अटकलें बनी हैं, जिसमें कारलीबाग विस्तार में आई हुई जलाराम मंदिर पास की भावना रोडवेज में केमिकल लिक्विड के आड़ में शराब की हेराफेरी की मिली खबर के आधार पर स्टेट मॉनिटरिंग सेल के पीआई द्वारा छापेमारी की गई, जिसमें भावना रोडवेज के पास एक ट्रक को कॉर्डन करने के साथ अफरा तफरी और भगदड़ का माहौल पैदा हुआ था। स्टेट मॉनिटरिंग टीम ने ट्रक में जारी की तलाशी के दौरान केमिकल लिक्विड की आड़ में लाए गए वैसे 60 जितने शराब की पेटी का जत्था जब्त किया गया, जहां ये जत्था वापी से मंगवाया गया होने की जानकारी प्राप्त हुई है। विदेशी शराब का जत्था वापी से किसके द्वारा मंगवाया गया था वो भी एक चर्चा का विषय बना है। भावना रोडवेज में केमिकल लिक्विड के नाम पर पहले भी इस प्रकार के बॉक्स आए हैं या नहीं, उस दिशा में पुलिस ने कार्यवाही का दौर जारी किया है। कार्य विभाग विस्तार से लाखों कीमत का शराब का मुद्दा माल जब्त होने के साथ स्थानीय पुलिस की कर्मचारियों की कामगिरी पर भी कई गंभीर सवाल खड़े हुए हैं, जिसमें कासम अल्लाह कब्रस्तान के पास सरभारी तत्वों द्वारा पहले भी पालिका के होदेदारों द्वारा इस प्रकार की शराब की हेराफेरी को उजागर किया गया था। तब भी कार्यविभाग पुलिस की कामगिरी पर गंभीर सवाल पैदा हुए थे, जहाँ एक बार फिर इस प्रकार का शराब का मुद्दा माल जब्त होने के साथ कई तरह की अटकलें बनी हैं। केमिकल लिक्विड की आड़ में शराब का जत्था भेजने की मॉडस ऑपरेंडरी का पर्दाफाश करते हुए ये विदेशी शराब के नेटवर्क में बुटलेगर किरण कहार माहिर होने का एक पुलिस अधिकारी द्वारा जानकारी प्राप्त हुई है, जहां ये केमिकल की आड़ में नेटवर्क पहले भी पकड़ा गया है नहीं वगैरह कई सवालों के बीच पुलिस ने घनिष्ठ तहकीकात का दौर जारी किया है।